गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। आज हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है। अभी हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या है? तो आपको पता है जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा 2। 4 आपका नेचुरल नंबर है, 2 आपका नेचुरल नंबर है। जो भी क्वेश्चन आपको मिला वो भी आपका नेचुरल नंबर है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूंगी 4 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको आप कैसे डिवाइड करोगे? 4/5 ऐसे ही लिखोगे 4 डिवाइडेड 5। ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल नंबर में आ जाएगा। तो जब आप लिखोगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। 4/5, तो 4 एक नेचुरल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है। बट 4/5 ये कौन सा नंबर है भाई? यहाँ पे तो बात आ रही है ना, ये कौन सा नंबर जाएगा, इसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे? ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 up to infinite, ये सब है आपका नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में 0 आ जाता है तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 up to infinite। इंटीजर आपको पता है, इंटीजर क्या है? 0 होल नंबर में जब नेगेटिव नंबर आ जाता है, ठीक है। 0 ±1 ±2 ±3 ये आ जाती है तो हो जाएगा इंटीजर। बट ये 4/5 जो आ गया, ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ना ये नेचुरल में आ रहा है, ना ये आपका होल नंबर में आ रहा है, ना ये आपका इंटीजर में आ रहा है। तो इसका एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं क्या? रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। पी क्या है, क्यू क्या है? यहाँ पे देखो 4/5, 4 आपको फ्रैक्शन पता होगा, फ्रैक्शन को भी हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें एक न्यूमरेटर रहता है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, वो क्या है, फ्रैक्शन है। तो हर फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है ना, रेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जो 4/5 है, 4 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको लिखते हैं वो है रेशनल नंबर। और क्या है ना, क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है ना, नीचे वाला कभी 0 नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, 2/0 हम कभी नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ही कुछ नहीं बन रहा है। 2/0 का मतलब मीनिंग क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको पता होगा 1/2 का मतलब क्या है ना, जब फ्रैक्शन आपने पढ़ा था तो उस पर आप पढ़ा होगा कि 1/2 मतलब क्या है ना, एक चीज को दो हिस्सा करके, दो भाग करके उसमें से एक भाग लेना है। किसी भी चीज आपको दे दिया जाए उसको दो भाग करना है और उसको उससे एक भाग लेना है, उसको ही कहते हैं 1/2। जैसे आपके सामने 3/4 है, इसका मतलब क्या है ना, किसी भी चीज को 4 हिस्सा कर देना, 1, 2, 3, 4, 4 हिस्सा करके उसमें से क्या करोगे ना, 3 आपको लेना है, ठीक है। इसका ही मतलब बनता है 3/4,
मीन चार भाग कर लिए और उसमें से तीन भाग ले लिए। न्यूमरेटर में जो लिखते हैं उसको लेते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो लिखते हैं वो भाग होता है, हिस्सा में बनता है वो अपना, तो इसका मतलब यही होती है, ठीक है। थ्री अपन फोर का इसे हमने लिखेंगे जीरो अपन फोर। जीरो अपन फोर का मतलब क्या है, किसी भी चीज आपको दे दिया जाएगा, सपोज ये एक चॉकलेट है, उसका आप क्या करोगे ना, चार हिस्सा करोगे, चार भाग में डिवाइड कर दिया, हाँ फोर सेगमेंट, वन टू थ्री फोर। जीरो अपन फोर मतलब क्या है ना, वो चार भाग करके उसमें से कुछ लेना नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। जीरो अपन फोर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, किसी भी चीज को चार भाग कर लिया, किसी भी कारणवशत उन्होंने लिया ही नहीं कुछ, कोई बात नहीं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जीरो अपन फोर। इसका मीनिंग बैठ रहा है, इसका मीनिंग क्या है ना, किसी भी चीज को चार भाग किया बट उसमें से कुछ लिया नहीं, ठीक है। बट फोर अपन जीरो का मतलब क्या बनेगा, नीचे जब जीरो है इसका मतलब क्या है ना, किस आपने तो भाग ही नहीं किया, हिस्से में कन्वर्ट नहीं किया, तो ले कैसे गए चार, चार कहाँ से ले लिया, इसका कुछ मतलब बनता है, बताओ क्लास। नो मैम, यही बात है, ठीक है, कि जीरो अपन फोर, जीरो अपन फोर और फोर अपन जीरो में से डिफरेंस क्या है ना, जीरो अपन फोर का मतलब है कि किसी भी चीज आपको दे दिया जाए, उसको चार भाग आपने किया बट किसी भी कारण वशत आपने लिया कुछ नहीं, ठीक है, जब नहीं लिया तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्या लिखोगे, जीरो अपन फोर। बट फोर अपन जीरो का मतलब क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं, जब नीचे जीरो है, आप कुछ किसी को भाग ही नहीं किया, जीरो मतलब क्या है, कुछ भी डिवाइड नहीं किया, कुछ भाग में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ हिस्सा बनाया नहीं, तो उसमें से चार हिस्सा ले कैसे गए आप, थोड़ी हम किसी से छुपा के ले आए, नहीं ना, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, इसलिए फोर ओपन जीरो हम लिख नहीं सकते हैं, फोर ओपन जीरो को हम रेशनल नंबर के रूप में कंसिडर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। जीरो ओपन फोर हो सकता है बट फोर ओपन जीरो रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा, इसलिए कहते हैं कि रेशनल जब नंबर जब हम लिखते हैं, रेशनल नंबर मतलब क्या है ना, जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं कि रेशनल नंबर, जैसे फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, फ्रैक्शन को भी हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, आर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर भी हमने पढ़ा क्या, उसको भी पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बट ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में से डिफरेंस क्या है ना, फ्रैक्शन always be positive, positive, ठीक है, वो कभी negative नहीं होता, और rational number क्या है, it may be negative, it may be positive, may be negative, may be positive, may be negative, rational number आप negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, minus two upon three भी लिख सकते हैं, two upon three भी लिख सकते हैं, माइनस टू अपन थ्री ये भी रेशनल नंबर है, टू अपन थ्री ये भी रेशनल नंबर, और टू अपन थ्री और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी है, बट माइनस टू अपन थ्री फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में यही डिफरेंस है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड हम क्या है, रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म कह सकते हैं,
सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं उसको, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। जैसे माइनस 10/15 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो ये क्या होगा ना, 5 से काट दो, 5 हो जाए 5 3, माइनस 2/3। ये 2 और 3 कभी भी डिवाइड नहीं होंगे किसी भी नंबर से, ठीक है? यस मैम। तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ही कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको ही कहेंगे लोएस्ट फॉर्म, ठीक है मैम? स्टैंडर्ड फॉर्म मैम किसको कहेंगे? आप एक रेशनल नंबर दे दे जाएगा, उसको आप काटोगे, ठीक है? सेम नंबर में से न्यूमरेटर को लोएस्ट करते जाओगे, ठीक है? सबसे स्मॉलेस्ट, और जैसे कि तब तक करते जाओगे जब तक ऊपर नीचे कट रहा है, ठीक है मैम? हाँ, लास्ट में जो बचेगा वो है आपका स्टैंडर्ड, उसको ही आप सिंपलेस्ट फॉर्म दे सकते हो, लोएस्ट फॉर्म दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मींस जब दो रेशनल नंबर इक्वल होते हैं ना उसको इक्विवेलेंट कहते हैं, जब दो रेशनल नंबर इक्वल होते हैं उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं? सपोज 2/3 एक रेशनल नंबर है आपके सामने, ये 2/3 का इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ना, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है ना उसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 6 एक इक्विवेलेंट हो गया। पीछे क्या करोगे ना, 2/3 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना। 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 6/9 ये भी एक इक्विवेलेंट हो गया। इसे अगर 2/3 के साथ सपोज मैंने 10 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 20/30, तो ये सब क्या है ना, इक्विवेलेंट है, बराबर है, सेम है। तो दो रेशनल नंबर का कब हम इक्विवेलेंट कहेंगे ना, जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो देखो 2/3 और 4/6 ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? 2/3 तो ये तो लोएस्ट फॉर्म में है, इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, ये भी तो 2/3 आ गया। ऐसे 2/3 के साथ 20/30 भी ये भी इक्वलेंट है। ऐसे 0 0 काट दो तो 2/3 इज इक्वल 2/3, ये भी इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट मींस क्या है ना, इक्वल, ठीक है? अब कैसे निकालते हैं, एक रेशनल नंबर दे दिया जाएगा उसका 5 इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते रहना, 5 निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट 2.5 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द पेयर ऑफ रेशनल नंबर गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट। दो पेयर रेशनल नंबर यहाँ पे है, 5/9 है, 10/x है, ये दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मींस क्या है, इक्वल, सेम, इक्वल, इक्वल, ठीक है? हम क्या करेंगे ना, x का वैल्यू निकालना है हमें। दे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में ना, ये दोनों 5/9 हाँ इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करें, बीच में से इक्वल लगा देंगे, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है। ये दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है, ठीक है? तो हम क्या किए ना, इक्वल करती है, ठीक है? अभी क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 × x, 9 × 10, ये हो जाएगा -5x = 9. -5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटो 5 1 जा, 5 से काटो
x इज इक्वल माइनस 18 x का वैल्यू निकालना था, निकल ही गया ना? नहीं यस मैम, बस ऐसे ही आपको निकल गया, भी निकल गया 18 माइनस 8 मैम मैम हम ये पूछ रहे हैं मैम वैसे नहीं कर सकते मैम, जैसे माइनस फाइव को टेन में वो करा क्या नाम है कितने बार मल्टीप्लाई करना, फिर नाइन को भी एक्स की वैल्यू से कर दे तो मैम फाइव को टेन से डिवाइड करके और मैम नाइन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं? यस मैम, माइनस टू से मल्टीप्लाई मैम जो फाइव है उसको टेन से मैम डिवाइड कर देंगे तो जो मैम आंसर आएगा उसे नाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैम उसका आंसर भी तो 18 आ जाएगा, तो मैम वैसा कर सकते हैं? फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, हेलो आप जो कह रहे हो ना फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो गया मैम, डिवाइड डिवाइड करेंगे डिवाइड, हाँ डिवाइड कर दिया माइनस टू, हाँ नाइन से मल्टीप्लाई, बात तो यही है ना? ठीक है, और ये मैंने आपको सिंपल से बता दिया कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ ये वाला इजी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, बस ऐसे आ गया एक से इक्वल कितना हो जाए डिवाइड हो गया, हाँ बात बराबर है, हो गया है बस। ओके मैम, ठीक है आप लोग के लिए काम है अभी करो रफ नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 13, बस यही कर लो क्वेश्चन नंबर 13 आज के लिए इतना ही है, बस आपका टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है मैम, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, हाँ 13 का सेकंड आप करो मैम, 13 का सेकंड करना है मतलब नोटबुक में, हाँ हाँ करो अभी आप नोटबुक में प्रैक्टिस करो रफ नोटबुक में, और आज के लिए क्लास इतना है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय मैम, बाय बाय।